मेरे चैनल का नाम बीके धब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये सर्किल है और ये करंट कैरिंग लूप है, यानी कि करंट इसमें फ्लो हो रहा। तो यहाँ पर देखोगे देयर इज ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इट्स रेडियस इज स्मॉल आर। इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है। पी वी एनी पॉइंट विच इज प्लेस्ड ए मीटर, कुछ मीटर यानी कि कुछ मीटर डिस्टेंस पर ऑन द एक्सेस ए मीटर पर और एक्सेस में अवे फ्रॉम सेंटर सी। इसका जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर पॉइंट सी है, उसके सेंटर पॉइंट से अवे ए मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जो एक्सेस में है वहाँ पर। वे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना एसी अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट के लॉस है। देखोगे कि जैसे ही करंट इसमें सर्किल पाथ में फ्लो होगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा। मैंने बताया कि कहीं जहाँ वायर है वहाँ मैग्नेटिक, जहाँ वायर है अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके नियर पॉइंट पर। अब ड्यू टू बायो सेवर्ट के हिसाब से जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था भाई, वो उसने बताया छोटे से एलिमेंट के लिए बताया था। तो छोटा सा एलिमेंट भाई, इसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक डी एल एलिमेंट मान लिया। इससे इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है एच, तो एच है तो उसमें म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा। अब देखोगे फोर पाई एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की बात आई और डायरेक्शन की बात आई तो वो 90 डिग्री होगा, ये याद है एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ साइन 90 हो गया तो साइन 90 का मान क्या हो गया 1 हो गया, ठीक उसे छोड़ ही दिया साइन 90 को। लेकिन हमें अगर नेट इस पूरे, तुम देख रहे होंगे पूरे सर्किल, ये तो बहुत छोटा सा एलिमेंट्स मानना था इस सर्किल की, सर्किल का ठीक, और इस सर्किल का छोटा सा जो एलिमेंट था उसी के हिसाब से हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद क्या है, और डिफ्रेंसिएशन की कंडीशन में रखा है, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल नेट जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट इसका डेल डी वी का वी आ गया, इसका म्यू नोट आ गया आई डी एल, यो जो है इधर लिख लिया साइन 90 तो 1 हो गया, यो 4 पाई एच स्क्वायर यो इधर हो गया। अब बात करें इसका, इसका क्या है इंटीग्रेट वही डी एल का, ये तो सर्कमफेरेंस है, पूरा सर्कमफेरेंस हो गया ठीक। यो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर क्या कहलावा, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर कहलावा। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग कर देंगे क्या हो जाएगा 2 पाई आर। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 4 काट देंगे, 2 दूनी 4 पाई से पाई कैंसिल, आर ऊपर बचा एच स्क्वायर ठीक, म्यू नॉट आई आर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया जो है मैग्नेटिक फील्ड मिल गया पॉइंट पी पर ठीक। लेकिन यो मैग्नेटिक फील्ड जो है यो बी की वैल्यू मिली, खाली इस पर बी की वैल्यू मिली, अब बी की वैल्यू मिली। लेकिन इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इधर जा रही ठीक, यो देख रहा हूँ। लेकिन हमें क्या करना है एक्सेस में फाइंड करना, हमें इधर उधर से कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने यो क्या निकाल लिया कि यो इस तरीके से ये देख रहे होंगे ऐसा करके, ये डायरेक्शन हमें कहाँ एक्सेस में लेनी। तो हम इस एक्सेस में डायरेक्शन पहुंचाने के लिए क्या करेंगे डी बी साइन थीटा लेंगे, क्या लेंगे डी बी साइन थीटा, समझ आए डी बी साइन थीटा। इससे इस ट्रायंगल में लगा देंगे, ये पी पॉइंट है ठीक, इस पी पॉइंट से इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये डी एल साइन थीटा और ये हो जाएगा डी एल कोस थीटा। तो ये एक दूसरे को तो निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए एक्सेस वाला, तो ये डी एल साइन थीटा, तो डी एल साइन थीटा यहाँ पर जो ये देखोगे
अब क्या करें, यू एच की वैल्यू तो हमने है लिख ली, ठीक। अब इन एक्सेस वो लिखा हुआ है कि डी वी कोस थीटा सॉरी कोस फाई विल बी कैंसिल, क्या कर देंगे कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड द इफेक्टिव विल बी डी एल साइन फाई। कौन सा इफेक्टिव होगा, डी एल सॉरी ये डी वी बी बी है डी वी साइन थीटा। तो यहाँ पर नेट नाउ नेट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो तुम देखोगे ये बी वन ले लिया क्योंकि बी तो पीछे लिखा हुआ है, तो ये बी वन इक्वल को इक्वल ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बी आ जाएगा साइन फाई का, साइन फाई आएगा बी की वैल्यू जो पीछे आई थी वो ये ऊपर जो आई इसको वापस रख देंगे, बैक कर देंगे, म्यू नॉट आई आर अपॉन टू एच स्क्वायर साइन फाई। अब साइन फाई के लिए क्या करेंगे, देखो साइन फाई के लिए ये देखो भैया सेंटर पॉइंट सी था, इससे डिस्टेंस ए है, इसकी रेडियस आर है, यो एच है, ठीक। तो ये देखोगे तुम अगर फाई एंगल है तो साइन फाई क्या हो जाएगा भाई बताओ, पी अपॉन एच होगा ना, और पी क्या है हमारे पास आर, तो आर अपॉन एच यहाँ से लिया गया। तो देखोगे यहाँ पर कि साइन फाई की वैल्यू रख देंगे आर अपॉन एच, आर स्क्वायर हो जाएगा, एच पर पावर कितनी होगी थ्री, एच पर पावर कितनी होगी थ्री। अब इसकी वैल्यू तो इसका जो यूनिट की बात करें वो टेस्ला है, वी वन इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एच की पावर थ्री टेस्ला। अब इसमें अगर हम एच की बात करें, एच की बात करें तो एच की वैल्यू क्या होगी, वाया पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर बराबर भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्यों किससे है पाइथागोरस थ्योरम, एच इक्वल क्या हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट में पहुँचेगा ए स्क्वायर। ये वाला एच की वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर दी, ठीक, एच का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये पावर है यो सॉरी ये रूट नहीं है, यो सॉरी ये टू नहीं है, ये रूट है टू नहीं है, रूट है टू नहीं है, क्योंकि रूट टूट का टू आएगा वहाँ पे। क्या होगा कि जैसे ही रूट तोड़ेंगे तो बी वन इक्वल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री अपॉन टू टेस्ला, ठीक। ये आ गया आंसर, ये रफ्ता याद रखना।